संघ प्रमुख मोहन भागवत के लिंचिंग वाले बयान पर सियासी पारा आसमान पर है। ओवैसी से लेकर दिग्विजय सिंह तक पलटवार पर उतर आए हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के विरोधी हैं, देश में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है। भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का जिनको डीएनए समान है। लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। तो हमारे ही पूर्वज के वंशज, खून के अपने भाई मुसलमान साथ क्यों नहीं चल सकते, वो कैसे अलग हो गए। संघ प्रमुख के ये बयान खासे मायने रखते हैं। पहली बार आरएसएस के सुप्रीम नेता ने लिंचिंग और मुसलमानों पर इस कदर अपनी बातें रखी। लिंचिंग और नफरत के माहौल में उन्होंने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के विरोधी हैं, वो हिंदुत्व को नहीं समझते, मुसलमान भय के चक्र में न फंसे। उन्होंने कहा कि इस्लाम को किसी से खतरा नहीं है। और तो और, सभी भारतीयों का डीएनए बताते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि भारत में रहने वाले कोई भी धर्म के हों, सबके पूर्वज एक हैं। सब प्रकार के लोग हैं, जैसे ये साथ चलते हैं वैसे हमारे ही भारत माता के पुत्र, हमारे ही संस्कृति के विरासतदार और हमारे ही पूर्वज के वंशज, खून के अपने भाई मुसलमान साथ क्यों नहीं चल सकते भाई। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। एकता इस एकत्व के आधार को अपने मन में पक्का बिठाने से होती है। इश्यूज है, उस पर मत आपके अलग अलग हो सकते हैं। प्रजातंत्र में व्यवस्था है, उनकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, उनके लिए संघर्ष कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन एकाधे मामले में आपका मेरा मत अलग है और परस्पर विरोधी है, इसलिए हमारा समाज नहीं बदलता, हम एक ही समाज के हैं। इस बात को पक्का समझ के हमको चलना चाहिए। हिंदू की हमारी व्याख्या तिलक लगाने वाला, स्नान करने वाला, ये पूजा करने वाला ऐसी नहीं है। जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, जो भारत के पूर्वजों का विरासतदार है, संस्कृति का विरासतदार है, वो हिंदू है हमारी। मुसलमानों के बीच अच्छी बातें कर संघ प्रमुख विरोधियों के निशाने पर आ गए। लिंचिंग को लेकर बयानों पर उन्हें ओवैसी ने घेरा। ओवैसी ने ट्वीट किया, आरएसएस भागवत ने कहा लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी, इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क पता ही नहीं होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्ट पनाही हासिल है। केंद्रीय मंत्री के हाथों अलीमुद्दीन के कातिलों की गुलपोशी हो जाती है। अखलाक के हत्यारे की लाश पर तिरंगा लगाया जाता है। आसिफ को मारने वाले के समर्थन में महापंचायत बुलाई जाती है, जहां बीजेपी का प्रवक्ता पूछता है कि क्या हम मर्डर भी नहीं कर सकते। कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। बात निकली तो दूर तक गई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी मोहन भागवत के बयान को लपक लिया। उन्होंने बयान का हवाला देते हुए संघ प्रमुख से सवाल किया, मोहन भागवत जी, ये विचार आप अपने शिष्यों, प्रचारकों, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भी देंगे? यदि आप अपने व्यक्त किए गए विचारों के प्रति ईमानदार हैं, तो बीजेपी में वे सब नेता जिन्होंने निर्दोष मुसलमानों को प्रताड़ित किया, उन्हें उनके पदों से तत्काल हटाने का निर्देश दें। मुझे मालूम है आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आपने सही कहा, हम पहले भारतीय हैं, लेकिन हुजूर, अपने शिष्यों को तो पहले समझाएं। वे मुझे कई बार पाकिस्तान जाने की सलाह दे चुके हैं। लिंचिंग की लड़ाई कहां जाएगी नहीं पता, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले महीने भी लिंचिंग के कई मामले आए। मसलन जम्मू कश्मीर के थामा मंडी में भैंस लेकर आ रहे शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। त्रिपुरा के खुवाई में जानवर ले जा रहे तीन लोगों की गाड़ी रोक कर पिटाई, दो लोगों की जान चली गई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में गाय की तस्करी के आरोप में 25 साल के युवक को पीट पीट कर मार डाला। यूपी के कोसी कला में संदिग्ध पशु तस्कर पर चलाई गोली, जिसमें एक की मौत हो गई, चार जख्मी हो गए। बातों का क्या है, बातें तो होती रहेंगी, जरूरी है इसका असर हो। निर्दोष यूं ही न मारे जाएं। आज तक ब्यूरो।
राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से संघ प्रमुख ने हिंदू मुसलमानों में एकता की दुहाई दी। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे से जुड़े हैं। तो हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है, इनको जोड़ना क्या, ये जुड़े हुए हैं। ये जुड़े हुए हैं और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं है तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है, हम लोग अलग नहीं है क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। आपने कहा ना आप निराकार की श्रद्धा रखते हैं, हम निराकार के साथ आकार की भी श्रद्धा रखते हैं। बात ऐसी है कि एक व्यक्ति के नाते मुझे मेरी श्रद्धा एक पर ही रखनी पड़ेगी, हिंदुओं में भी। अगर मैं निराकार मानता हूं तो मैं हिंदुओं के आकार भी नहीं मानूंगा। स्वार्थ अलग अलग होंगे लेकिन समाज एक है, स्वार्थों पर एकता होती नहीं, सौदे पर एकता होती नहीं। एकता इस एकत्व के आधार को अपने मन में पक्का बिठाने से होती है। इश्यूज है उस पर मत आपके अलग अलग हो सकते हैं। प्रजातंत्र में व्यवस्था है, उनकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, उनके लिए संघर्ष कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते, सब कर सकते हैं। लेकिन एकाधे मामले में आपका मेरा मत अलग है और परस्पर विरोधी है, इसलिए हमारा समाज नहीं बदलता, हम एक ही समाज के हैं। इस बात को पक्का समझ के हमको चलना चाहिए।